साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। आपने आज तक सुना होगा कि पुजारियों को दान धर्म के लिए बुलाया जाता है और दान पुण्य किया जाता है, लेकिन यहां तो बिल्कुल इसका उल्टा ही हुआ। मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी को ही मौत के घाट उतार दिया गया। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है कानपुर देहात में। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुजारी का कटीले तार से दबाया गला, चारपाई से हाथ पैर बांध कर दी हत्या। मंदिर में कई साल से रह रहे थे पुजारी, मंदिर का निर्माण भी करा रहे थे पुजारी। हाल ही में वृंदावन से लौटे थे पुजारी। गांव के बाहर एक मंदिर निर्माण हो रहा था, पर वो कुछ समय से रुका हुआ था। इधर ये लोग रहते थे, तो हमारी फील्ड यूनिट फोरेंसिक्स अब यही मौके पर ही है, अभी साक्ष्य संकलित कर रहे हैं। अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात की गई है, कुछ सूचनाएं उन्होंने दी है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी प्रोग्रेस होगी आप लोगों से शेयर की जाएगी। कानपुर देहात में भोगनीपुर थाना क्षेत्र के साहबापुर गांव में निर्माणाधीन मंदिर के अंदर पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई। पुजारी को चारपाई में हाथ पैर बांध गला दबाने के बाद वजनदार वस्तु से सिर में कई वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या की सूचना पर एसपी खुद पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस विभाग की तरफ से मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। वहीं दोनों टीमें मिलकर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। कल मेरे साथ 12:30 बजे वृंदावन से लौटे हैं, इसके बाद मेरे यहाँ पुखराया में खाना खाया, खाना खाने के बाद में वहाँ से चले आए हैं। लगभग 2 घंटे बाईपास में गोपाल जी के यहाँ बैठे हैं, वहाँ से किसी मोटरसाइकिल से आ गए हैं। रात में यहाँ रुके हैं, रुकने के बाद में कई बजे हत्या हुई है उनकी ये तो नहीं पता, लेकिन जब मैंने देखा लगभग 10 बजे तो चारपाई से उनके हाथ बंधे थे, पैर एक जमीन में रखा था। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो पुजारी को मामूली सी जमीन के लिए मौत के मुंह में भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक पुजारी ब्रजेंद्र अकबरपुर थाना क्षेत्र के लहरापुर गांव के निवासी थे और पिछले 6 सालों से साहबापुर गांव के बाहर दान में मिली जमीन पर वो मंदिर का निर्माण करा रहे थे। हाल ही में पुजारी ब्रजेंद्र मथुरा वृंदावन से लौटे थे। सुबह मंदिर के सामने खेत में काम करने पहुंचे खेत मालिक ने पुजारी को मृत अवस्था में पड़ा देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। दूसरी तरफ पूर्व प्रधान उदयवीर ने बताया कि पुजारी ब्रजेंद्र हम लोग एक साथ मथुरा वृंदावन से लौट आए थे और अब पुजारी की हत्या कर दी गई है। फिलहाल अभी तक कत्ल की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस टीम के साथ डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम अभी जांच करने में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा क्या इस कत्ल का खुलासा पुलिस कर पाएगी या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। अभी के लिए इस कड़ी में बस इतना ही, आगे हम आपको और प्रदेश के अपराध जगत से जुड़ी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प